आइए आइए। जी ना, हमें चाय पानी कुछ नहीं चाहिए, बस जिससे हम मिलने आए हैं उसे बुलवा दीजिए। ये देखिए, गर्मा गर्म जलेबियां लाए हैं उसके लिए, शायद उसे पसंद आए। आइए आइए बैठिए। तो मुस्कान नीचे आओ। ये देखो, हम आपके लिए लाए हैं गर्मा गर्म जलेबियां और इतनी सारी गिफ्ट्स। आपको पसंद आई? लेकिन देवता अंकल, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। क्या हुआ, हमारे गिफ्ट पसंद नहीं आए आपको? कोई बात नहीं, आप ही बताइए आपकी क्या पसंद, अगली बार हम आपके पसंद के ही गिफ्ट लाएंगे। मैं तो सोचता हूँ कि आप एक लिस्ट बनाइए, जो जो आपको गिफ्ट पसंद है ना, वो सारे आज रात तक उस लिस्ट में लिख दीजिए और सुबह होते ही वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। ये हमारा वादा रहा आपको। इसे कहते हैं देवता का उपकार। अरे शुक्र मना कि तुझे ऐसे देवता मिले हैं। उपकार नहीं, ये हमारा फर्ज है हमारी परी के लिए। अब आप वो लिस्ट बनाइए, हम आपको रात को मिलते हैं। हा? देवता अंकल, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, सिर्फ किताबें चाहिए, मुझे पढ़ना है। अगर आप मेरे देवता अंकल है तो आप मुझे पढ़ाई ही गिफ्ट कर दीजिए। मुस्कान, सर बाजू में एक बहुत अच्छा स्कूल है, इंग्लिश मीडियम। ना, इंग्लिश से हमें बहुत डर लगता है, लेकिन अगर हमारी परी पढ़ना चाहेगी तो जरूर पढ़ सकती है। हमारी परी की इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? अरे आप भी किन लोगों की बातों में पड़ रहे हैं? वैसे भी ये सब चोचले अमीरों के हैं, नाचने वालियों के नहीं। नाचने वाली लड़कियों को ये सब शौक पालने का हक नहीं है। हमारी परी को हक है, क्योंकि उसके पास उसका देवता है, उसका खर्च उठाने को। पढ़ाइए इसे, और अगर और पैसे की जरूरत पड़े तो मांग लीजिएगा। हर वो चीज जो हमारी मुस्कान के चेहरे पर मुस्कान लाए, उसके लिए हम कोई भी कीमत चुका सकते हैं। कोई भी मतलब कोई भी। मुस्कान, अब हम बाद में मिलेंगे, लेकिन अगली बार हम सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। थैंक यू देवता अंकल। तू कितनी भी कोशिश कर ले किताबों से सबक पाने की, मगर असली सबक तो तुझे मैं ही सिखाऊंगी। देखा मम्मा, आपने जो सिखाया था मैंने वही किया, अपनी पढ़ाई के लिए फाइट किया और देवता अंकल ने मेरी बात सुन भी ली। अब मैं पढ़ने जाऊंगी। मम्मा देखो, मैं फिर से स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई। जैसे पहले आप मुझे कपड़े पहनाती थी ना,
वैसे ही आज मैंने पहना है। एक बार मेरा एडमिशन हो जाए फिर मैं खूब मन लगा के पढ़ूंगी। मम्मा आप तो यही चाहती थी ना कि मैं पढ़ू। मुस्कान क्या हुआ नानी? क्या हो रहा है सब? कुछ नहीं नानी, मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई इसलिए ऊपर आ गई थी। तो इसमें इतना उछलने की क्या बात है? जा तो रही है मगर एक बात का ध्यान रखना, अपने बारे में, अपनी माँ के बारे में, इस जगह के बारे में और हम सब के बारे में किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मगर क्यों नानी? पिछली बार की बात भूल गई? जब तेरे स्कूल में पता चला था कि तू कहाँ से है तो कैसे तेरी माँ को गंदी औरत बोला था? इस बार अगर जुबान खोली तो कहीं तुझे एडमिशन ही ना दे। याद रखना, सवाल पूछने वाले मुंह हजार होते हैं और जवाब देने वाली जुबान सिर्फ एक। किस किस को समझाती फिरेगी कि तेरी माँ एक बुरी औरत नहीं है? इसलिए अपने काम से काम रखना, किसी से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अब तेरे देवता की मर्जी है, तेरा एडमिशन करवा ही देते हैं। चल। छोड़ो मुझे, नहीं जाना मुझे। जगदीर को तो मांग ही चुकी हो तुम, अब इसे खुशी खुशी अपनाना भी सीख लो, जिंदगी भी आसान हो जाएगी और मुस्कुराना भी, जो बहुत जरूरी है इस धंधे में। तू नहीं मुस्कुराएगी तो तेरी मुस्कान कैसे रह पाएगी इस दुनिया में? मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, चल चलो। मगर नानी आज तो मैं क्लास में बैठ के पढ़ूंगी सब बच्चों के साथ। आप देखना मैं इतने अच्छे से पढ़ूंगी कि टीचर मुझे फर्स्ट बेंच पर बिठा देगी। हाँ ठीक है, पहले क्लास में तो बैठने दे तुझे, आगे और पीछे के बेंच तो बाद की बात है। यहाँ सब जानते हैं कि तू एक कचरा चुनने वाली है, तेरा एडमिशन यहाँ होगा ही नहीं लड़की, इसीलिए तो तुझे स्कूल में लाई हूँ। सुनिए ना जी, इस बच्चे का एडमिशन कराना है। ओके, प्रिंसिपल सर का ऑफिस वहाँ सामने है, आप वहाँ चले जाइए। क्या है? वो इस बच्चे का एडमिशन कराना था तो प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? प्रिंसिपल साहब आए नहीं हैं, आप बाहर में बैठ कीजिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी इस बच्ची का एडमिशन कराना था। हम अपने स्कूल में इस बच्ची का एडमिशन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये कूड़ा बीनने वाली बच्ची है। इस बिना पर हम लोग इसका स्कूल में दाखिला देने के बगैर नहीं रह सकते, मुझे कुछ और ही तकलीफ करनी पड़ेगी, समझो। देखिए दरअसल बात ऐसी है कि इस साल की एडमिशन हो चुकी है, बच्चों के कोर्सेस
बहुत ही आगे निकल चुके हैं, तो एडमिशन लेने का तो कुछ फायदा ही नहीं है। नानी इनको बताइए ना कि मैं अपनी पुरानी स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट थी, जो भी छूटा है वो मैं पढ़ लूंगी और मुझे ढेर सारे प्राइजेस भी तो मिले। तो अपना लास्ट रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। वो तो नहीं है। तो टीसी दिखाइए, मतलब स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर कोई और पेपर डॉक्यूमेंट्स कुछ तो होगा। जी नहीं, वो सब कुछ नहीं है। बताइए, कुछ पेपर नहीं आपके पास और आप एडमिशन लेने चले आए यहाँ? एडमिशन नहीं हो सकती, सॉरी। पर हमारे पास फीस है देने के लिए। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, बात सिर्फ फीस की नहीं है, हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, हमारे में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और आपके पास तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो एडमिशन कैसे करेंगे हम? अरे तो एडमिशन कराना ही कौन चाह रहा है? पर कोई तो तरीका होगा इस बच्ची की मदद करने के लिए, कोई स्कूल तो होगा। देखिए, और स्कूल के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं, पर मैं इतना कह सकती हूँ कि इस बच्ची को ये स्कूल में दाखिला नहीं मिल सकता। लगता है इस बच्ची की किस्मत में पढ़ाई है ही नहीं। आपका वक्त बर्बाद करने के लिए माफी चाहती हूँ। चल मुस्कान, तेरा एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता। मुझे पढ़ना है। छोटी सी आंखों के सपने बड़े पूरा करने जिससे हम स्कूल चले, भारी बस्ता कॉपी किताब करेंगे ज्ञान के सवाल जवाब, टीचर हर बच्चे को प्यार है करती, मजबूत को थप्पी कमजोर को थाम वो लेते, मेहनत करके एक दिन मुझको बहुत अच्छा बन जाना है, सपनों को अपने पूरा करना है और स्कूल का नाम जगमगाना है। छोटी सी आँखों के सपने बड़े पूरा करने जिससे हम स्कूल चले, भारी बस्ता कॉपी किताब करेंगे ज्ञान के सवाल जवाब। टीचर ये मुझे मेरे पुराने स्कूल में सिखाया था और हिंदी सर ने इसका मतलब भी सिखाया था। हर बच्चे पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? और स्कूल में अच्छी और सच्ची बातें ही सिखाते हैं ना, तो ये पोयम भी सच्ची है ना? बताइए ना। सुनिए, सब नाटक मत करवाइए अपने बच्चे से। सब इसलिए कर रही हो ना कि मैं इसे एडमिशन दे दूं? और हाँ, इस नाटक के दम पर स्कूल में नहीं किसी ड्रामा कंपनी में एडमिशन मिल जाएगा। जाओ यहां से। अच्छी पोएम थी बेटा। और हाँ, आपने सही कहा, हर किसी को पढ़ने का अधिकार है और आपको भी है। आपका एडमिशन होगा इसी स्कूल में होगा, मैं कराऊंगा आपका एडमिशन। मैं यहां का प्रिंसिपल हूं और ये मेरा फैसला है। आइए मेरे साथ आइए। बैठिए। सर, आप ये कैसे कर सकते हैं? ये लड़की की एडमिशन ये स्कूल में, ये लड़की कूड़ा उठाती है सर। अरे कूड़ा बिनती तो क्या हुआ, हर किसी को पढ़ने का अधिकार है और इसे भी पढ़ने का अधिकार है। चंदू जाओ एडमिशन का फॉर्म लेके आओ। यस सर। चाय 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 मैडम, चाय 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 स्पेशल चाय।
वो मासी को कहीं लेकर गए क्या? तुम्हारी आरती मौसी ने बहुत कोशिश की हालात से टकराने की, मगर इस तकरार में तो उसकी खुद की किस्मत ही फूट गई। आरती के अंदर की औरत तो हार चुकी है माँ, बस तुझसे एक विनती है, आरती के अंदर की माँ को हारने मत देना। उसकी आंखें तो तरसती रह गई अपनी बेटी के लिए, मगर उसकी आंखों ने जो सपने देखे थे उसको पूरा करना माँ, उसको पूरा करना। चल तुझे तेरी क्लास दिखा देती हूँ। एक मिनट, बैग दिखा अपना, तूने सब रखा भी है कि नहीं? तूने ही पैक किया था ना सुबह? इतनी उतावली किस बात की है तुझे? अरे पहले दिन सब गड़बड़ कर दिया ना, अब देख ड्रेस, कॉपी, दस्ता सब गंदा हो गया। नानी मेरी पूरी बुक खराब हो गई। अभी ये किसी काम की नहीं बची, हटा इसे। नानी मुझे मेरी पेंसिल भी नहीं मिल रही है। कहाँ मिलेगी इस कीचड़ में? छोड़, अब आज जैसे तैसे काम चला ले। चल वो है तेरी क्लास, जा। अब देखती हूँ तू बिना कागज कलम के कैसे लिखती है अपनी किस्मत का ये नया पन्ना। और सुन, घर वापस आते वक्त ये बात ध्यान रखना कि कहीं फिर से तुझे कोई उठा ना ले। ये तो वही कूड़े वाली लड़की है ना? इससे पूछना इसका बोरा आज कहाँ है। चुप हो जाओ तुम लोग, ये क्या तरीका अपने क्लासमेट से बात करने का? हाँ गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। थैंक यू टीचर। आओ मुस्कान, चलो। चलो बेटा तुम अपना इंट्रोडक्शन दो सबको, अपना नाम बताओ। मेरा नाम मुस्कान है। बेटा अपना पूरा नाम बताओ, अपने मम्मी पापा के बारे में बताओ, तुम कहाँ रहती हो ये भी बताओ इनको। पिछली बार जब तेरे स्कूल में पता चला था कि तू कहाँ से है तो कैसे तेरी माँ को गंदी औरत बोला था, इस बार अगर जुबान खोली तो कहीं तुझे एडमिशन ही ना दे।